बनाई अपनी सेमीफाइनल्स में जगह और भारत वो दूसरी टीम बनी इस विश्व कप में जिन्होंने बनाया अपने सेमीफाइनल्स में जगह। और आज मैं आपको पूरा टीम की रिव्यू बताऊंगा कि वो कैसे भारत ने जीता और कौन सी ये टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच थी कि जो भारत को विजेता बनाने में सफल रही और क्या यहाँ पे भारत विश्व विजेता बन सकता है। तो फुल डिटेल वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए क्योंकि अभी जीतेगा इंडिया क्योंकि अब विश्व कप की है बारी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टॉस की तो टॉस इंडियन कैप्टन विराट कोहली ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और इंडियन टीम आई बल्लेबाजी करने के लिए और इनके दो सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने शानदार पार्टनरशिप की जहां दोनों ने मिलकर 180 रन की पार्टनरशिप करी। वहीं पे रोहित शर्मा ने शानदार सेंचुरी जड़ी उन्होंने बनाए थे टोटल 104 रन और वहीं पे केएल राहुल ने शानदार 77 रन की पारी खेली और इन दोनों के पूरे पार्टनरशिप के बदौलत टीम इंडिया एक ऐसी मजबूत स्थिति में पहुंच गई कि जहां पे उन्हें हराना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा न्यू सेट कर दिया था और वहां से टीम इंडिया को हराने के लिए बांग्लादेश के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने शानदार 26 रन की पारी खेली, छोटी ही खेली लेकिन अच्छी पारी खेली। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए थे पंत ने शानदार 48 रन की पारी खेली और उसके बाद हार्दिक पांड्या भी कुछ नहीं कर पाए, 0 पे आउट हुए। तो वहीं पे अगर धोनी की बात करें तो वो 35 रन बनाए और दिनेश कार्तिक ने 8 रन की पारी खेली और ये टोटल मिला के टीम इंडिया एक विशाल स्कोर में पहुंच गई जहां पे 314 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पे और यहां पे टीम इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि 300 का आंकड़ा किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और खासकर वो भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप हो तो। उसके बाद आई बांग्लादेश की बैटिंग करने टीम। बांग्लादेश ने कुछ अच्छी ठोस शुरुआत की जहां पे तमीम इकबाल ने 22 रन की पारी खेली तो वही शो में सरकार भी 33 रन बना के हार्दिक पांड्या की गेंद पे चलते बने। उसके बाद अगर बात करें तो साकिब अल हसन ने अच्छी पारी खेली, जुझारू पारी खेली, लास्ट तक टिके रहे लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, 66 रन बना के टीम का साथ छोड़ दिया। तो वही मिश्कुर रहीम ने जहाँ पे 24 रन की पारी खेली और वही लिप्टन दास भी 22 रन बना के शिकार बन गए। उसके बाद अगर बात करें तो शब्बीर रहमान ने जहां 36 रन की पारी खेली और सैफुद्दीन ने शानदार 51 रन की पार्टनरशिप, इन दोनों के पार्टनरशिप के बदौलत लगा कि एक वक्त बांग्लादेश फाइट करेगी लेकिन जसप्रीत बुमराह की तेज यॉर्कर के बदौलत जहां पे शब्बीर रहमान ने अपनी पारी 36 रन पे समाप्त कर दी। तो वहीं पे अगर हम बात करें निचले के बल्लेबाज बुमराह का सामना कर ही नहीं पाए और वहीं पे अगर हम बात करें इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप में तो शानदार बुमराह ने जहां 55 रन देखे 4 विकेट झटके तो वही हार्दिक पांड्या ने 60 रन देखे 3 विकेट झटके और इन दोनों के बदौलत टीम इंडिया को हराने के लिए बांग्लादेश के पास कोई जवाब नहीं था। और वहीं पर अगर हम बात करें इन लोगों के बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप में तो मुस्तफिजुर रहमान ने शानदार बॉलिंग की जहां इन्होंने 10 ओवर में 59 रन देके 5 विकेट झटके और एक वही बॉलर लगे कि जो कि इंडिया को रोक सकते हैं लेकिन उनके सिवाय और उनका कोई साथ भी नहीं दिया बॉलिंग में और इस प्रकार इंडिया 314 के विशाल स्कोर में पहुंच गई और वहां पे इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल था। और इस तरह से इंडिया की हुई जीत और सेमीफाइनल्स में इंडिया ने बनाई अपनी जगह और इंडिया बनी वो दूसरी टीम जिन्होंने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। और अगर आपको क्या लगता है दोस्तों क्या इंडिया इस बार विश्व कप जीत सकती है, अगर इंडिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के पूरी नोटिफिकेशन जरूर जानिएगा क्योंकि आपको क्रिकेट की न्यूज़ आपको हमारे ही चैनल में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों इस बार वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे हम अगले न्यूज़।